विधान परिषद चुनाव में और प्रचार अब अभियान कह सकते हैं अब आखिरी दौर में है और मिराज आलम हमारे साथ हैं, आरजेडी के उम्मीदवार हैं और बहुत ही मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं विधान परिषद के मधुबनी में। मिराज जी, बस अब कह सकते हैं कि इस अभियान के आप समाप्ति की ओर हैं, कितने आप प्रतिशत आगे बढ़ गए हैं जीत की ओर? जीत की ओर हम लोग 100% आगे। अब जीत के लिए हम लोग मार्जिन ज्यादा से ज्यादा हो इसके लिए हम लोग रणनीति बना रहे हैं और हम लोग जनता के बीच, पंचायत प्रतिनिधि के बीच हम लोग जा रहे हैं। माना जा रहा है कि क्षेत्र में हमने भी भ्रमण किया है, माना जा रहा है कि जो मुख्य उम्मीदवार हैं उसमें पहले पंक्ति पर आपको आंका जा रहा है, आपके विरोधी भी आपको आंक रहे हैं, लेकिन क्या आप जो प्रथम वरीयता है उसके कितने, या तो उसको क्रॉस कर चुके हैं या आपको लगता है कि प्रथम वरीयता में इतना आ जाएगा कि हम मुझे दूसरे वरीयता की जरूरत नहीं है? निश्चित तौर पर प्रथम वरीयता से ही चुनाव जीतेंगे, मधुबनी जिला इस बार इतिहास लिखने जा रहा है। एक जो बात कई प्रतिनिधियों ने बताया कि हमारे बीच का उम्मीदवार है, खुद एक प्रतिनिधि है और प्रतिनिधि के रूप में वो प्रतिनिधित्व करने जा रहा है विधान परिषद में, जो मुख्य एजेंडा आपको रहेगा इस बार जीत के बाद वो क्या रहेगा? मैं चाहूंगा कि और एक तरीके से आप अपील भी कर दें अपने वोटरों को कि आप जीत के बाद ये अपने वोटरों को स्वागत देने जा रहे हैं। निश्चित तौर पर हम तमाम पंचायत प्रतिनिधियों से आग्रह करना चाहते हैं कि आप जिस तरह से इस बार मन बनाए हुए हैं कि मिराज जी को हमारे पंचायत प्रतिनिधि हैं उसको हम वोट देंगे और चुनाव जिताएंगे, उसी तरह मैं तमाम पंचायत प्रतिनिधि निवेदन करना चाहते हैं कि आप हम पे भी भरोसा करिए, हम आप पे भी भरोसा करते हैं। जो आपकी जो मान सम्मान की बात, विकास की जो बात है, हम हर संभव प्रयास करेंगे कि तमाम पंचायत प्रतिनिधि विकास की बात हो, चाहे वो मानदेय की बात हो, पेंशन की बात हो, अभी जो सरकार के द्वारा जो बांध दिया गया टाइड अनटाइड, इस सब के जो मुद्दा है, हम पंचायत प्रतिनिधि की बात बहुत अंदर तक समझते हैं क्योंकि हम पंचायत से लेकर के जिला तक के प्रतिनिधि खुद किए हैं और कर रहे हैं, इसीलिए हम तमाम बातों को जानते हैं। देवेंद्र यादव आपके लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं और माना जा रहा है कि उनकी जो पैठ रही है इस संसदीय क्षेत्र में मधुबनी और झंझारपुर संसदीय क्षेत्र में, उसका आपको काफी फायदा मिलेगा और जिस तरीके से वो अभियान चला रहे हैं आपकी ताकत उससे बढ़ी है? देखिए, तमाम हमारे आदरणीय नेता पूर्व केंद्रीय भारत सरकार देवेंद्र प्रसाद यादव जी हैं, हम लोगों के नेता हैं और आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी प्रसाद यादव जी हम लोगों के नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, बिहार विधानसभा परिषद के, बिहार विधानसभा के विपक्ष के नेता हैं और राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन समर्थित जितने भी कार्यकर्ता है, साथी है, नेता है, सबों को लेकर के हम लोग निश्चित तौर पर मजबूती के साथ आगे बढ़े हैं और बढ़ेंगे। ये थे एक एक छोटा कार्यकर्ता भी क्यों नहीं हो, चुनाव में अहम भूमिका निभाते हैं, जो जिस लेवल पे है वो अपने आप में मजबूती है। एक बात देखने को मिला है कि कई बार पार्टी लाइन से हटके भी, खासकर विधान परिषद चुनाव में वोटिंग हुई है, पार्टी लाइन से हटके आपको किस तरीके का समर्थन मिला है इस बार? देखिए, पार्टी लाइन का तो समर्थन पूर्णतः ही है, लेकिन तमाम पंचायत प्रतिनिधियों का समर्थन मेरे साथ है, वैसे कहा जाए इसलिए तमाम पंचायत प्रतिनिधियों का समर्थन कर रहे हैं कि एक हम पार्टी का उम्मीदवार हैं अधिकृत, दूसरा हम पंचायत प्रतिनिधि हैं, पंचायत प्रतिनिधि का भी हम उम्मीदवार हैं। ऐसा आप देख सकते हैं कि जब 4 तारीख का वोटिंग होगा तो आपके सामने या मेरे सामने कहिए जो उम्मीदवार हैं, अपना वोट कोई नहीं गिराएगा, लेकिन हम अपना वोट खुद गिराएंगे, अपने वोट से अपना किस्मत भी, हम अपने किस्मत को भी तय करेंगे, इसलिए निश्चित तौर पर हम चुनाव जीतेंगे। कोई किसी उम्मीदवार को कोई एक वोट देगा, जो भी दे वोट तो मिलेगा, तो दूसरा देगा तब एक वोट होगा, लेकिन हम एक ऐसे प्रतिनिधि हैं जो अपने वोट से भी अपना भाग को हम अजमाइश करने जा रहे हैं। ये थे मिराज आलम। मिराज आलम कह रहे हैं कि वो अपने हाथों से अपने भाग्य को लिख रहे हैं और उनको जितने मधुबनी जिले के प्रतिनिधि हैं उनका भरपूर साथ मिल रहा है। कैमरामैन डब्लू के साथ मनीष आनंद, मधुबनी। इस कोविड पेंडेमिक में सब ये शहर छोड़कर अपने शहर, अपने घर चले गए। हम लोगों का अपना शहर तो है लेकिन वहाँ अपना घर नहीं। अगर सिचुएशन और खराब होता चला गया तो हम जाएंगे कहाँ? अरे, ये प्रॉब्लम तो हर शहर में, लेकिन हाँ, अपने शहर में भी अपना घर तो होना ही चाहिए। होना चाहिए तो कहाँ है अपना घर? ये है ना, ई होम्स पैनोरमा पूर्णिया में, अपने शहर में अपना घर।
पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रिडिफाइंड।